गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों गाजियाबाद फूड टूर की शुरुआत आज हमने कर दी है सयाजी पूरी वाले से। सामान में कहीं से कहीं कोई कटौती नहीं, माल 21 लगाना, क्योंकि ग्राहक अब पैसे नहीं देखता, माल देखता है बस। यहाँ का जो ब्रेकफास्ट की खासियत है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप खाना खाएं ना आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। आप सोचते देखिए 40 रुपीज में क्या कॉस्टिंग होगी, बट वो मेंटेन करके कर रहे हैं, यही बहुत खास बात है। जैसे भंडारे में खाते हैं ना, खाते ही रहते हैं, वैसा स्वाद यहाँ पर है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ इस वक्त गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में मैं आ गया हूँ भाई सयाजी पूरी वाले पर, जो कि लोडेड नाश्ता मिलता है यहाँ पर। मात्र 40 रुपए में नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मिलती है भाई पूड़ियाँ, चार पूड़ियाँ या पांच पूड़ी मिलती है इसमें, साथ में रहती है पेटे की सब्जी और आलू की सब्जी, मजा आ जाता है खा के। चलते हैं अंदर, बात करते हैं सयाजी पूरी वाले से। काफी टाइम, कम से कम 60 से 65 साल इनको यहाँ पर हो गए हैं, बात करेंगे, टेस्ट करेंगे और जायका आप तक पहुँचाएंगे। आइए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कैसे सर? बढ़िया बढ़िया, कृपा है बाबा की, कृपा बनी रहनी चाहिए, सब पे ही बनी रहनी। आपका जिस हिसाब से बिहेवियर है वो तो बहुत ही अच्छा है, हम जब भी आते हैं मतलब आपसे जरूर मिल के जाते हैं गाजियाबाद में। बिल्कुल। तो सर गाजियाबाद में आज आपके सयाजी पूरी वाले पर आ गए हैं, मतलब ब्रेकफास्ट की बात होती है तो बस यही आना मन करता है आने का। सर ऐसी क्या खास बात है सयाजी पूरी वाले में, सर थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। क्या बताएं, बस यही जानते हैं कि भाई बाबा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, और सोच अच्छी है, बस सोच अच्छी है। बाकी सामान में कहीं से कहीं कोई कटौती नहीं, माल 21 लगाना, क्योंकि ग्राहक अब पैसे नहीं देखता, माल देखता है बस। माल देखता है, बिल्कुल। क्वालिटी चाहिए, माल और व्यवहार बस। अब मेरे भैया बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से 25-30 साल से तो हो गए होंगे। और आपकी टोटल कितना टाइम हो गया है सयाजी पूरी वाले? 64 साल। 64 ईयर्स। पहले कहीं और था शायद ना? पहले बाजार में थे। बाजार में था, तो 64 ईयर से लोग अपना स्वाद यहाँ ले रहे हैं। चौथी पीढ़ी आ गई है खाने वालों की। अच्छा। और बनाने वालों की तीसरी आ गई है। तो सर प्राइस क्या रहता है आपके पूरी का? 40 रुपए की 5, दो सब्जी और रायता अलग होता है 10 रुपए गिलास, बाकी मीठा है। मीठा अलग से, गुलाब जामुन वगैरह क्या रेट? 10 रुपए पीस। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस रख रखा आपने, मतलब ग्राहक भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, 40 रुपए पेट भर जाता है। तो सर एक बार लोकेशन यहाँ की बता दीजिए। मालीवाड़ा चौक, सब्जी मंडी के ठीक सामने पड़ती है दुकान। और टाइमिंग क्या रहती है? सवेरे 8 से 4। 7 डेज ओपन है? हाँ जी। आपकी पूरी टेस्ट करते हैं? बिल्कुल जरूर जरूर, अपने व्यूअर्स को बता, जरूर आइए। सयाजी पूरी वाले का जो अपना ब्रेकफास्ट है कैसा लगता है? सर देखिए ब्रेकफास्ट काफ़ी जगह मिलता है, लेकिन यहाँ का जो ब्रेकफास्ट की एक खासियत है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप खाना खाएं ना आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। वो क्या है, आपको यहाँ के ना ढाक के पत्तों में मिलता है, और ढाक के पत्ते क्या है, नेचुरल है। आज के टाइम में हम सिल्वर पे जा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों पे जा रहे हैं, तो हम टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और सब चीज़ नेचुरल एंड हाइजीन है। मैं एक हाइजीन का एक ऑप्शन और बताता हूँ, आप सपोज दैट कहीं से भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई जगह ना हाथ धोने का नहीं मिल पाता, देखिए वहाँ पे हैंड वॉश के साथ साथ हाथ धोने का भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेंटेन करके चल रहे हैं और अपनी संस्कृति को मेंटेन करके चल रहे हैं। इससे क्या है, ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता है, और ये एनवायरनमेंट हमारा सेव कर रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम पॉली बैग का यूज़ करेंगे, पत्तलों का वैसे यूज़ करेंगे, वही हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। ये ढाक के पत्ते ये डिस्पोज हो जाएंगे, मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाएंगे, और ये भी स्पून प्लास्टिक के नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ये लकड़ी के स्पून यूज़ कर रहे हैं। हालांकि कॉस्टली कॉस्ट पड़ता है, आप सोच के देखिए 40 रुपीज़ में क्या कॉस्टिंग होगी, बट वो मेंटेन करके कर रहे हैं, यही बहुत खास बात है, अपनी संस्कृति को मेंटेन करके रख रहे हैं। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों फाइनली गाज़ियाबाद फूड टूर की शुरुआत आज हमने कर दी है अपनी सैयाजी पूरी वाले से। ब्रेकफास्ट की तलाश में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और ब्रेकफास्ट यहाँ पर इतना लोडेड ब्रेकफास्ट होता है, मात्र 40 रुपये में 5 पूड़ी मिलती है, पेठे की सब्ज़ी मिलती है, आलू की सब्ज़ी मिलती है और सबसे बड़ी बात भाई इको फ्रेंडली पत्तल में आपको यहाँ पर बैठ के आराम से सर्व किया जाता है। सब्जी अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी आप खाओ, 5 पूड़ी मिलती है 40 रुपीज़ में। साथ में रायता भी ले सकते हैं आप, रायता की जो कॉस्ट है रायते की 10 रुपये की कॉस्ट रहती है रायते की। और साथ में भाई गुलाब जामुन यहाँ पर मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, 10 रुपये मात्र रहता है एक गुलाब जामुन का और 20 रुपये के भी आपको एक प्लेट में मिल जाएंगे। टेस्ट करते हैं टेस्ट कैसा रहने वाला है। बहुत बढ़िया इनका नाम है, अच्छा नाम है, काफ़ी पुराने हैं ये। आलू की सब्ज़ी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का जायका कैसा है। जैसा भंडारे में खाते हैं ना और खाते रहते हैं वैसा स्वाद यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है। पूरी क्रिस्पी है काफ़ी और 5 पूड़ी एनएफ है, एक्स्ट्रा आग लेंगे तो पूड़ी के हिसाब से पर पूड़ी के हिसाब से आपका रेट लग जाएगा। अब लेते हैं पेटे की सब्जी। पूड़ी के साथ आलू का कॉम्बिनेशन और पेटे का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, हल्की सी मिठास पेठे में पूड़ी के साथ, मज़ा आ जाता है भाई खा के। एक बार लेते हैं इनका रायता। बढ़िया बढ़िया स्पाइसी रायता बना रखा है, कॉम्बो देख लीजिए। अगर गाज़ियाबाद में आते हैं सैयाजी पूड़ी वाले को मत भूलना, ब्रेकफास्ट यहाँ पर कीजिए, मज़ा आ जाएगा भाई आपको, क्योंकि काफ़ी पुराना यहाँ पर सैयाजी पूड़ी वाले का ये आउटलेट, ये शॉप चल रही है। काफ़ी अच्छा आप अंदर का इंटीरियर देखेंगे, एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा इन्होंने अब कर दिया है। सैटरडे और संडे को तो भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है और बस लोग यहाँ पर दीवाने हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। उन लेते हैं इनका गुलाब जामुन। गर्मा गर्म गुलाब जामुन, गर्मी का टाइम है भाई, गर्मियों में भी गुलाब जामुन इनके बढ़िया तरीके से सेल हो रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। चैनल पर नहीं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक और शेयर, उन सभी को जरूर टैग करें जिनको भाई भंडारा बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भंडारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो तलाश करने की जरूरत नहीं है, गाज़ियाबाद में आइए सैयाजी पूड़ी वाले पर, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इजीली यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस इकोनॉमिकल थाली का लुत्फ उठा सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए स्वाद के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।